हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु मोटर आइडिया चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक न्यू हेलमेट की अनबॉक्सिंग। तो मैं उससे पहले आपसे एक छोटी सी बात करूँ कि ये मैंने हेलमेट क्यों परचेज किया है। वैसे मेरे पास वीगा का ये ऑफ रोड वाला हेलमेट था, काफ़ी अच्छा हेलमेट है। तो इसके भी मैं आपको फीचर बताऊंगा लास्ट में, और मैंने नया परचेज क्यों किया है वो रीजन भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो पहले कर लेते हैं इसकी अपन अनबॉक्सिंग। तो इधर से ये ओपन होगा, तो एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि मेरे पास वाइट कलर की R15 है, तो इसलिए मैंने हेलमेट लिया है अपना वाइट कलर के अंदर। तो एक बार इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको रख देते हैं एक बार साइड में और देख लेते हैं इसमें क्या मिलता है। एक अपने को ये मिल जाता है, जाली सी क्या है वो चीज़ भी मैं बताता हूँ। ये अपना इसका बॉक्स मिलता है स्टड का, उस साइड में रख देते हैं। तो ये जाली मिल जाती है और कुछ इस प्रकार का अपने को हेलमेट मिल जाता है। तो इसको करते हैं अपन ओपन। इस पॉलिथीन के अंदर अपने को ये मिल जाता है और कुछ इस प्रकार का अपना काफ़ी प्यारा सा हेलमेट मिलता है वाइट कलर के अंदर, जिसके ऊपर इस प्रकार के ग्राफिक मिल जाते हैं, स्टड की बैचिंग मिल जाती है। ये वेंटिलेशन ओपन क्लोज ओपन क्लोज इस प्रकार से मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्टर्ड ISI मार्का 1300 ग्राम का अपने को ये हेलमेट मिलता है। बात करेंगे प्राइसिंग के भी, उससे पहले इसके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार की अपने को एक मैनुअल की स्कीम मिल जाती है, डायरी। तो एक बार मैं कुछ इस प्रकार की डायरी मिलती है जिसके अंदर अपने को चेक किस प्रकार से लगाएं, इस प्रकार से इसको लगाया जाता है, पिक्चर दिखी गई है लॉक वगैरह ओपन वगैरह करने के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती है। तो कुछ इस प्रकार का मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर इसको अपन ओपन करना चाहें तो इसका कुछ ये ओपन हो जाता है इस तरीके से, इसकी जो ग्लास है। बाकी इस ग्लास को निकालना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको इस प्रकार से आगे की तरफ खींच के निकाल सकते हैं। उसके अलावा इसमें अपने जो सर्दी के मौसम में यहाँ पर धुंध जमा हो जाती है, मैं आपको अपनी भाषा में बताता हूँ, धुंध जमा हो जाती है। तो यहाँ पर इसको अनलॉक करेंगे तो ये यहाँ से हवा जाएगी इस पर और इससे हवा जाएगी इस पर, तो ये हो जाएगा क्लीन। उसके बाद में अपन बात करते हैं, इसके ऊपर एक फिल्म छड़ी हुई है, उसको करते हैं अपन बाहर। तो कुछ इस प्रकार से, वाह, तो ये फिल्म छड़ी हुई मिल जाती है। अब जो मैंने आपको ये स्ट्रैप दिखाई है, ये कहाँ पे लगाई जाती है तो वो भी बताते हैं। ये स्ट्रैप अपने को यहाँ पर लगाई हुई मिलती है, जिससे क्या है कि एयर वेंटिलेशन नहीं होता है। बाकी यहाँ पर इसको ये ओपन वगैरह करने का यहाँ पर सिस्टम मिल जाता है अच्छा खासा। काफ़ी मेरे को अच्छा हेलमेट लगा मेरी बाइक के हिसाब से और जो मेरी साइज है उसके हिसाब से भी। अब ये हेलमेट मैंने क्यों लिया है, ये लिया है मैंने अपना ये माउंट लगाने के लिए। तो यहाँ पर ऐसे माउंट हो जाएगा, अपन करेंगे मोटो व्लॉगिंग। उसके अलावा अपन बात करते हैं इस हेलमेट की, काफ़ी अच्छा हेलमेट है। एक अपने को यहाँ पर मिल जाता है, ये अपना ग्लास हो गया, थोड़ा सा टूटा वूटा है तो वो थोड़ा इग्नोर करने का। इसके अलावा यहाँ पर एक ग्लास और मिल जाता है धूप वगैरह से बचाने के लिए। ये पार्ट भी रिमूव होते हैं, ये पार्ट भी रिमूव होते हैं, ये स्ट्रेप इसकी दी गई है, बाकी ये वेंटिलेशन के लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा हेलमेट है ये, लेकिन ये मेरे साइज के अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, क्या प्राइस के अपने को मिला है। तो ये मैंने लिया है ऑफलाइन मार्केट से 1500 रुपये का। अब बात करें 1500 का कैसे, एक मेरा हेलमेट वाला जानकार था जयपुर अजमेरी गेट पे, तो उससे मैंने ये लिया है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं कि अगर ऑनलाइन लेते हैं तो कितने का पड़ेगा, तो ये ऑनलाइन अपने को 1700-1800 के समथिंग मिल जाएगा। बाकी बहुत से कलर मिल जाते हैं, बहुत से मॉडल मिल जाते हैं, पीछे स्पॉइलर वाला भी मिल जाता है 1800-1900 रुपये में। तो ये मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता था। जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और जल्दी ही आप मोटो ब्लॉग के वीडियो देख पाओगे। ठीक है जी, धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर देना बस।